सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 25, 26, 23 या फिर 21। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर महोबा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी महोबा जो है उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता हैं? ऑप्शन है देवानंद, दादा साहेब फाल्के, अमिताभ बच्चन या फिर पृथ्वीराज कपूर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय में है कहाँ पर? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या फिर चेन्नई। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोपलाह जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर केरल। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो मोपला जनजाति है दोस्तों केरल में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, वेवामीटर, यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पिक्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डायमेंटीना अथवा परीखा किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन है क्रिप्टन, आर्गन, ज़ेनॉन या फिर क्लोरीन। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरीन जो है एक निष्क्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, पैथिक लॉरेंस या फिर विलियम जॉन्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रोजर बेकर, सर फ्रैंक वीटल, जेम्स वॉट या फिर लुइस एडिसन वाटरमैन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी सर फ्रैंक वीटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थाई बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्यास्त कानून का संबंध स्थाई बंदोबस्त से है। अगला क्वेश्चन है, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है एप्सम सॉल्ट, जिप्सम, ब्रिमस्टोन या फिर क्वार्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन है पेरिस की संधि, पौंडीचेरी की संधि, कर्नाटक की संधि या फिर लंदन की संधि। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीएमाइड या फिर पॉलीकार्बोनेट। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉलीएस्टर को छोड़कर जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, संघनन बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब? ऑप्शन है इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसकी वेव बढ़ जाता है, वेग और ऊर्जा बढ़ जाती है या फिर वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन है अंडाशय, बीजांड, परागकोष या फिर पुष्प योनि। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी परागकोष। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर Na। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स को हटाने में सच्षम है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, अवटु ग्रंथि, अग्न्याशय या फिर प्लीहा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है 64 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स या फिर 256 बिट्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1948 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है ईसी कैंडल, डोडजी एंड डैम, कार्ल लिनियस या फिर स्टैनफोर्ड मूर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी डोडजी एंड डैम को 1948 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? ऑप्शन है पुंकेसर और कार्पल्स, कैलिक्स और कार्पल्स, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एक फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल्स। अगला क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नब्ज दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है? ऑप्शन है 72 और 80, 60 और 75, 90 और 120, 80 और 120। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 72 और 80। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन है ओम, ओम क्यू, महो या फिर महो क्यू। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत चालकता की यूनिट है महो। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, भोपाल और चंडीगढ़। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है लाइम स्टोन व क्ले, लाइम स्टोन व सिलिका, लाइम स्टोन व जिप्सम, क्ले और सिलिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त लाइम स्टोन व क्ले का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी है? ऑप्शन है निकोसिया, साल्वाडोर, कीटो या फिर कराकस। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SALT कार्यक्रम को शुरू किया है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा SALT कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या फिर 21 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 9, 4, 6 या फिर 8। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारत ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 6 पदक को जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।